तो चलिए जानते हैं कि पैरालिसिस पेशेंट को कितनी नींद लेनी चाहिए। पहली चीज़ आपने ध्यान क्या रखना है कि पैरालिसिस पेशेंट को दिन में कम से कम सोने को देना चाहिए, क्योंकि हमारे पास दिन के अंदर घंटे होते हैं 24। उसमें से अगर दिन के हम कैलकुलेट करें तो रफली 12 घंटे होते हैं जिसके अंदर कोई भी पेशेंट एक्सरसाइज डाइट पे ध्यान रख सकता है। अगर पेशेंट पैरालिसिस का दिन में ज़्यादा सो रहा है तो वो अपने दिन का बहुत बड़ा हिस्सा गवा देता है सोने में। और पैरालिसिस एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर जितना आराम आप करते हैं उतने ख़राब आप होते चले जाते हैं। बाकी जितनी भी बीमारियां हैं उसमें आराम करने से आप बेटर होते हैं, मगर इसके अंदर जितना आराम आप करेंगे उतना नुकसान आपको उठाना पड़ता है, क्योंकि इसके अंदर आपको एक्सरसाइज का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे चलने की उतना अच्छा आप चल पाएंगे, मगर दिन में अगर आप सो रहे हैं तो एक्सरसाइज का अपनी प्रैक्टिस का टाइम आप गवा देते हैं सोने के अंदर। तो जितने भी पेशेंट होते हैं पैरालिसिस के उनको मेरी यही एडवाइस होती है कि दिन में आधा घंटा सोना एक तरफ, मगर अगर दिन में आप आधे घंटे से ज़्यादा आराम कर रहे हैं सो रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अपनी इम्प्रूवमेंट को डिले कर रहे हैं, क्योंकि उतना कम आप दिन के अंदर चल पाएंगे। आपको क्या चाहिए, जैसे आपने खाना खाया, लंच किया, लंच करने के बाद आपको थोड़ा सा सुस्त आने का मन करता है तो आप आधा घंटा आधा पौना घंटा आराम कीजिए, उसके बाद दोबारा से उठिए अपनी चाय वाय पीजिए, आप अपने जो अपनी बॉडी के अंदर एनर्जी भरी और दोबारा से अपने को चलने की कोई छोटी छोटी एक्सरसाइज की आदत डालें, प्रैक्टिस करनी शुरू करें। क्योंकि फिजियोथेरेपिस्ट आता है, एक्सरसाइज करवाता है और वो चला जाता है, उसके बाद हम पूरा का पूरा दिन बेड पे बैठे रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं, मोबाइल देखते रहते हैं। इन चीज़ों को ना कीजिए, आप जितना एक्टिव रहेंगे उतना अच्छा रहेगा। अब सवाल ये उठता है कि आप काम पे जा नहीं रहे तो आप इस टाइम को किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो अब मेरी एडवाइस जितने भी पैरालिसिस पेशेंट हैं उनको ये रहती है कि अगर आप घर से बाहर नहीं जा रहे तो घर के अंदर कुछ ना कुछ काम जो आप कर सकते हैं उसे ढूंढने की कोशिश कीजिए। हो सकता है कि आपसे चला ना जाए, हो सकता है कि आपका हाथ ना उठे, मगर अगर हम कोशिशें करेंगे तो सारी चीज़ें होनी शुरू होती है। तो इसकी शुरुआत खुद से होती है। आप दिन में उठते हैं, खुद नहाइए, खुद साबुन लगाना है, खुद अपनी काम करने की कोशिश करनी है, खुद कपड़े पहनने हैं, अपने कपड़े खुद धोने हैं, खाना खुद उठ के जाना है, खाना है, प्लेट को खुद धोकर आना है। आप पूरे घर का काम मत कीजिए, अपने खुद के काम करने की कोशिश करेंगे तो आपकी वही एक्सरसाइज काम आएगी। अब इसमें हमें एक्सरसाइज नज़र नहीं आती, बट अगर जब आप अपने हाथ को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, पैर को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो आपकी एक्सरसाइज ही है। ज़रूरी नहीं है कि आपको पकड़ के आपके हाथ को आगे पीछे हिलाया जाए तो वही एक्सरसाइज है। हम दिन में जो भी काम करेंगे वो हमारी एक्सरसाइज ही है, मगर जब आप बेड पे बैठे हैं, सोफे पे बैठे हैं, टीवी देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, सो रहे हैं, उस टाइम में आप ये एक्सरसाइज का पार्ट गवा देते हैं। जितनी कम आप प्रैक्टिस करेंगे अपने आप को इंडिपेंडेंट करने की, उतनी ही परेशानियां आपको और आपके परिवार वालों को देखने को मिलेगी। तो आज आप एक सौगंध खाइए कि आज के बाद आप ज़रूरत से ज़्यादा आराम नहीं करेंगे, बेड पे दिन में नहीं बैठेंगे, सोफे पे दिन में नहीं बैठेंगे। आपने बैठना है, आप अपनी स्ट्रेट चेयर लीजिए, उस पर बैठिए, कमर सीधी रहेगी, कमर की एक्सरसाइज हो रही है। अगर आपके पास काम नहीं है, कुछ नहीं है, तो घर में छोटा सा बगीचा है तो उस बगीचे को संभालने की कोशिश कीजिए। मिट्टी की खुदाई, खाद डालना, खरपतवार निकालना, पौधे नए लगाना शुरू कीजिए, क्योंकि जब आप कुछ काम शुरू करेंगे, अपने हाथों पे भरोसा करना शुरू करेंगे, अपने हाथों को इस्तेमाल करना शुरू करेंगे, आप अपने आप में सुधार देखना भी शुरू करेंगे। जब आप अपने बर्तन धो रहे हैं, जब आप इसको इस तरह से घुमा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि एक हाथ में प्लेट पकड़ी दूसरे हाथ से घुमा रहे हैं, ये एक्सरसाइज है। जब आप देख रहे हैं कि घर पे जाला लगा हुआ, मैंने डंडा पकड़ा, मैं साफ कर रहा हूँ, ये एक्सरसाइज है। जब आप प्लेट रखने जा रहे हैं, दोनों हाथों का इस्तेमाल करते हैं, प्लेट रखते हैं, एक्सरसाइज है। जब आप कपड़े धो रहे हैं, ये भी एक्सरसाइज है। जब आप कंघी कर रहे हैं, कोशिश करें कि अपने पैलेसेस वाले हाथ कंघी करने की, ये भी एक्सरसाइज है। जब आप कपड़े पहन रहे हैं, हाथ बाजू हाथ डाल रहे हैं कपड़ों के अंदर, एक्सरसाइज है। तो हमने अपनी एक्सरसाइज को छोड़ना नहीं होता,
तो जितने भी पैरालिसिस के पेशेंट हैं, मेरी इस बात का ध्यान रखेंगे कि गलती से भी दिन के अंदर ज़रूरत से ज़्यादा किसी भी कीमत पर नहीं सोएंगे। रात की 6 से 8 घंटे की नींद आपके लिए सफिशेंट है। आपको सुबह जल्दी नहीं उठाया जाएगा, आपकी नींद जब खुलनी है तब खुलेगी, मगर उठने के बाद रात को सोने तक आप सोएंगे नहीं। अपने शरीर को, अपनी बॉडी को टाइम देंगे, हर चीज़ के अंदर एक्सरसाइज को ढूंढेंगे, हर काम को करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये कोशिश ही आपकी ज़िंदगी के अंदर रंग लेकर आएगी, आपके रुके हुए हाथ को चलाएगी, आपके रुके हुए पैर को चलाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप आज इंस्पायर होंगे और आज से अपने शरीर पे, अपनी बॉडी पे, अपने लकवे पे काम करना शुरू करेंगे। और आने वाले कुछ ही महीनों के अंदर मैं चाहता हूँ कि आप सभी दोबारा से पहली की तरह इंडिपेंडेंट हो जाएं, किसी पर डिपेंडेंसी ना रहे, अपने काम को दोबारा से ज्वाइन करें, क्योंकि जितना ज़रूरी ये मेरे लिए है कि आपको चलाना, ये आपके लिए भी ज़रूरी है कि आप इंस्पायर होकर कि मैं ये कर सकता हूँ, मुझे करना है, मैं हर कीमत पे करके रहूँगा। ये तीन चीज़ें, तीन लाइनें अपने अंदर भर लें, क्योंकि जितनी ताकत, जितनी विल आपकी चाहिए मुझे, उतना कुछ नहीं लगता। आपने अगर ठान लिया कि मैंने ठीक होना है तो आपको कोई रोक नहीं सकता। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप आज इंस्पायर होंगे और अपनी बॉडी पे काम करना शुरू करेंगे। मैं आपको कुछ अपने पेशेंट से मिलवाता हूँ जिनके पास यही विल मैंने दी थी और उनके अंदर क्या बदलाव है, अब आप खुद देखेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज मैं आपको मिलवाना चाहता हूँ एक पैरालिसिस पेशेंट जिनकी एज है 63 की एज के अंदर पैरालिसिस को हराना आसान काम नहीं होता। तो चलते हैं पेशेंट के पास और उनसे जानते हैं कि उन्होंने इसको कैसे सहा और कैसे इसको देखा। तो शर्मा जी, ये आपको हुआ कब था? मेरा नाम जीआर शर्मा है और मेरे को ये ब्रेन स्ट्रोक का दूसरा अटैक है। पहला कब हुआ था? पहला 2014 में। तब उससे रिकवर पूरे हो गए थे? उसका पूरा रिकवर नहीं हो पाया, लेकिन ये 2019 आते आते मुझे दोबारा फिर अटैक होगा ब्रेन स्ट्रोक का। और ये राइट साइड का हुआ, पहले भी राइट को हुआ था, अब दोबारा भी राइट का हुआ। ठीक है, तो मेरे को चलने फिरने में दिक्कत थी और डॉक्टर साहब की मैंने दवाई खाई, एक अभी तो एक ही महीना हुआ है, एक महीने में मेरे को बहुत इम्प्रूवमेंट है। तो ये जब आपको हुआ था तो आपने कहाँ से इलाज करवाया था? जब मुझे ये सेकेंड टाइम जब हुआ है, हाँ, पहले टाइम भी मैंने एस्कॉर्ट फोर्टिस में करवाया, इलाज कराया। डॉक्टर ने मुझे कहा भाई मेरे को एलोपैथी का जो इलाज करना था कर दिया, अब आप इसके बाद देसी ट्रीटमेंट कराओ। आयुर्वेद की, हाँ डॉक्टर, हाँ डॉक्टर ने कहा। अच्छा, कि आयुर्वेद का ट्रीटमेंट कराओ, उससे शायद आपको बहुत आराम मिलेगा। तो मैंने आयुर्वेद में भी इलाज कराया। अब सेकंड बार टाइम हुआ मुझे, तो मुझे डॉक्टर साहब जो संजीवनी, इनसे मुलाकात हुई, तो इन्होंने एक महीना हो गया मुझे दवाई खाते खाते, जिससे मुझे बहुत आराम है और मैं आज दोबारा से एक महीने की दवाई फिर दोबारा लेने आया हूँ। तो इससे मेरे को लग रहा है कि मैं कंप्लीट ठीक हो जाऊंगा। शर्मा जी को जो पहली बार हुआ राइट साइड में हुआ, उसके बाद जब 2019 में हुआ तो एक ही जगह पे दोबारा स्ट्रोक पड़ने की वजह से, दोबारा से नुकसान होने की वजह से शर्मा जी को जो चलने में दिक्कत आने लगी थी कि चल नहीं पाते थे, पैर नहीं उठा पाते थे। तो जब हमने इनको मेडिसिन दी थी तो किसी वो हाथ पैर की रोक की नहीं थी, क्योंकि चल तो पैर नहीं रहा था। बट जब भी पैरालिसिस होता है तो उसका जो ट्रीटमेंट होता है वो ब्रेन से स्टार्ट होता है। अगर आपके ब्रेन का एक हिस्सा डैमेज हो गया है तो हमें वहीं पर ही रिपेयर अप करना पड़ता है। तो जो हमने आपके ब्रेन के साथ किया, हमने किया था न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी के अंदर हम क्या करते हैं कि हम ब्रेन को दोबारा से अपने अंदर विकास करने की क्षमता देते हैं। वो दिन याद करो जिस दिन आपको हुआ था, उस दिन आपका हाथ नहीं चल रहा था, पैर नहीं चल रहा था, मगर अगले 6 महीने के अंदर हाथ भी चलने लगा और पैर भी चलने लगा। ऐसा सारे पैरालिसिस पेशेंट के साथ होता है। दिक्कत पहले 6 महीने में नहीं आती, पहले 6 महीने में मैक्सिमम लोग अपने आप ठीक हो जाते हैं, दिक्कत आती है उसके बाद 6 महीने के बाद, कि जब ये न्यूरोप्लास्टिसिटी, जब दिमाग की विकास करने की क्षमता बंद हो जाती है। आपका एक जख्म हुआ,
तो कुछ टाइम में वो भरेगा, अगर वो टाइम से नहीं भर पाया तो वो नासूर बन जाता है। ऐसे ही कुछ आपके ब्रेन के साथ होता है। जब दिमाग में चोट लगी, पहले 6 महीने में भर गया, अब चलने लग गए, हाथ चलने लग गया, ठीक है, नहीं चलता ना, तो वहाँ पर दिक्कत हो जाती है। तो वहाँ पर हमें दोबारा से दिमाग के अंदर विकास करवाना पड़ता है। जब वो डेवलपमेंट स्टार्ट होती है तो आपके अंदर चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। वही आपने देखा, अब आपने इनकी पहले वाली वीडियो देखोगे या बाद वाली वीडियो देखोगे तो उसमें आपको खुद ब खुद ज़मीन आसमान का फर्क नज़र आना शुरू होता है। ये इसलिए होता है कि जब हम सही तरीके से सही जगह पे काम करते हैं। तो जो बाकी जो पैरालिसिस पेशेंट हैं उन्हें कुछ कहना चाहोगे? बहुत जल्दी है, मैं मानता हूँ बहुत जल्दी, कभी 1 महीना हुआ है, बट 1 महीने की इम्प्रूवमेंट देख के कुछ कहना चाहोगे उनको? ऐसा है डॉक्टर साहब, का इलाज 1 महीना होगा, मुझे इंजेक्शन भी ले दिए हैं कुछ और दवाइयाँ भी दी हैं। मुझे फीलिंग ये हो रही है कि मैं जल्दी रिकवरी आपकी और कर लूँगा और जल्दी से मैं बिल्कुल ठीक भी हो जाऊँगा एकदम से। ठीक तो आप हो गए हो यार, एक बार चल के दिखाना इनको अभी सबको। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप समझ गए होंगे कि नींद कितनी ज़रूरी है और ज़रूरत से ज़्यादा नींद करने पे आप क्या गंवाते हैं। फिर भी आपके माइंड में डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहते हो कि लकवे से मुझे कैसे उभरना है, कैसे निकलना है, डॉक्टर की टीम हमेशा आपकी सेवा में रखी हुई है। हमने कॉल कीजिए, उन्हें अपनी रिपोर्ट्स भेजिए, अपनी एक्सरसाइज की वीडियो बना के उनको भेजिए, क्योंकि जितना आप आज अपने पे काम करना शुरू करेंगे उतना ही जल्दी हम आपको दोबारा से अपने लाइक बना पाएंगे। इसी के साथ आप सभी से मैं चलने की आज्ञा चाहता हूँ, अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। आप चाहें तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपनी रिपोर्ट शेयर कर सकते हैं और पा सकते हैं फ्री कंसल्टेशन सीधे हमारे एक्सपर्ट्स से।